हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम मॉक टेस्ट 5th है जो सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रहने वाले हैं। आज ही मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए एंड जो भी लोग पेपर देने वाले हैं अपकमिंग, चाहे हरियाणा CHO का कहें या फिर MPCHO का, तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि सबसे ज़्यादा किस सेक्शन में से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा आपका जो कवर करेगा सिलेबस वो होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। क्यों, वो चीज़ भी मैं आपकी आज यहाँ पे क्लियर कर दूंगी इस क्लास के पहले। देख सकते हैं मैंने MP NHM का सिलेबस रखा हुआ है, बट बिफोर दैट, तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी क्लासेस स्पेशली आपके वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, तो आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। एंड ऑफिशियल ऐप हमारी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके आप लोग डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको MP CHO, हरियाणा CHO, सभी स्टेट CHO के लिए सीरीज अपडेट कर दी गई है, पेपर अवेलेबल है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर्स अवेलेबल हैं, जो भी वैकेंसी आती है उनके नोटिस हैं जो अवेलेबल हैं वहाँ पर, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। सेम नाम से है जो हमारे इस चैनल का नाम, मेडिकल एंड नर्सेस सब, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट होते हैं ऐप को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग पेपर देने वाले, मैं उनको बता दूँ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस क्यों ज़्यादा कंडक्ट करवाई जा रही हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। तो यहाँ पर मैंने एज एन एग्जांपल के तौर पर MP NHM CHO का रिसेंट का सिलेबस लिया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सेक्शन है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्यों कवर कर रही है, चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, डिसीज़ प्रिवेंशन, तो ये 5 नंबर के जो MCQ आएंगे। तो हमने जो 4 साल जो BSc नर्सिंग की है उसमें 2 बार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा है, सेकेंड ईयर एंड लास्ट ईयर में। तो यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा सेक्शन यही कवर करेगा। थर्ड यहाँ पर ऑप्शन में जो डेमोग्राफिक और एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ, तो यहाँ पर 10 नंबर का तो ये आपका कम्युनिटी से हो जाएगी। इम्यूनाइजेशन भी हमने कम्युनिटी में ही पढ़ा है, एडोलेसेंट हेल्थ भी कम्युनिटी में पढ़ा है, फैमिली प्लानिंग भी पढ़ा है, कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज़ और हेल्थ प्रोग्राम्स, तो ये सबसे ज़्यादा सेक्शन तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ही कवर कर लेगा। फिर यहाँ पर ये टॉपिक वाइज चीज़ें बता दी गई हैं, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं, कई बार पढ़ाए, और इवन रिसेंट में भी एक क्लास आपको स्पेसिफिक लगाई थी जो अपडेटेड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनको लेके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पढ़ा दिए गए हैं, एडोलेसेंट हेल्थ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपडेट कर दिए गए हैं, एंड जो रिसेंट में नए चेंजेस हुए हैं तो वो भी यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। अब यहाँ पर जो बचता है सबसे ज़्यादा, जिस सेक्शन को अभी तक हमने क्लासेस नहीं ली हैं, प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया है, वो डेमोग्राफी एपिडेमियोलॉजी। डेमोग्राफी में जो अभी 2021 में 2019 का जो SRS डेटा है, हर 6 महीने में चेंज होता है, तो वो यहाँ पर डेमोग्राफी में आपको हर एक स्टेट का है जो बता दिया जाएगा। एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बेसिक आता है, तो इसकी भी आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट 10 क्लासेस तक करवा दी जाएंगी, जिसमें आपका पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस है जो कवर हो जाएगा। और जो GK एंड GS है, तो ये भी आपको जो 5 नंबर का आने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइप का आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आता है CHO के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि ये जो सिलेबस यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं MP वालों के लिए, तो ये MP वालों का तो पर्टिकुलर सिलेबस है ही, बट जो टॉपिक है यहाँ पर, जो कंटेंट दिया हुआ है, वो आपके सभी स्टेट के CHO एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आज की जो सीरीज़ है, उसके पहले जो लास्ट सीरीज़ थी उसमें एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। क्वेश्चन था, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़, तो हेपेटाइटिस बी का एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर क्या है। ऑप्शन में थे HBsAg, NTHBs, NTHB या फिर HBeAg। तो हेपेटाइटिस बी का एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर है HBsAg, और ऑलमोस्ट जिन लोगों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, तो प्लेग का जो ट्रांसमिशन है वो क्या है। ऑप्शन में है हार्ड टिक, सॉफ्ट टिक, रेड फ्ली या फिर लुइस। तो जो प्लेग है एक तरीके की पहले पैंडमिक हो चुकी है, प्लेग जो है एक पहले पैंडमिक हो चुकी है कोरोना के पहले। तो प्लेग किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, रेड फ्ली के द्वारा, जो इन्फेक्टेड रेड फ्ली हैं उसके थ्रू ही ट्रांसमिट होगी। तो एक तरीके की एपिजूटिक्स है, जिसमें क्या रहेगा, जो भी रेड फ्ली हैं
इन्फेक्टेड फ्ली है, यदि वो रेट के ऊपर गई देन उनने रेट का जो खून चूसा जो भी किया, तो उसके बाद यदि वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आती हैं तब ये सबसे ज़्यादा सिचुएशन डेवलप करेंगी, वर्स्ट सिचुएशन डेवलप करेंगी, तो वह प्लेग। और प्लेग है जो एक बार महामारी बन चुकी है, ब्यूवेनिक प्लेग, आपने जो नाम सुना होगा, तो क्या है जिससे बहुत सारे लोग हैं जो डेथ भी हुई थी, जैसे अभी कोविड में हुआ है, तो इनका जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू होता है, रेड फ्ली के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो इन्फेक्टेड मैमल्स होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे, उनके थ्रू ये होगी। और जो ह्यूमन जनरली रोडेंट्स फ्ली या रेड फ्ली हम कह सकते हैं, जो कि इनका एक ट्रांसमिशन है, यहाँ पर आपका आंसर होगा रेड फ्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5th टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन दिस डे इज 1972। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, हम हर साल 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन आपका एक क्लियर हो जाना चाहिए कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को, और किसकी एनिवर्सरी के तौर पर मनाते हैं हम इस दिन को, 1972 से मनाते आ रहे हैं। तो ऑप्शन में क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या फिर रामसर कन्वेंशन। तो जो जून 5th को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो किसकी एनिवर्सरी के तौर पर मनाते हैं हम इसको, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के तौर पर। एनवायरनमेंट डे की थीम पूछी जाती है, तो 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। और हम जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है कब से मनाते आ रहे हैं, 1972 से। तो यहाँ पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब से हम इसको मनाते आ रहे हैं, 5 से 16 जून तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। तो हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, कब, 5 जून को। इस बार की थीम है ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर, द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक ऑफ एन एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन विथ हैवी वर्क। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन है, हैवी वर्किंग मदर है, यहाँ पर उसकी लाइफ स्टाइल है जो सेडेंट्री नहीं है, हैवी वर्किंग मदर है, सॉरी हैवी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बहुत ज़्यादा काम करती है, हैवी वर्क करती है, तो उसकी डेली एनर्जी इंटेक में कितना होना चाहिए, 2100 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरीज, 3200 किलो कैलोरीज या फिर 2900 किलो कैलोरीज। एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन है, हैवी वर्किंग है, तो क्या कैलोरी होगी, 3200 किलो कैलोरीज। जो नॉर्मल कैलोरीज होगी, यहाँ पर अब देखिए आप, जो प्रेगनेंसी में यहाँ पर कहा गया है कि जो आईसीएमआर के अकॉर्डिंग बॉडी वेट यहाँ पर यदि 60 kg होता है, और सॉरी मेन में 60 kg, और यदि फीमेल की बात होती है तो वुमेन में क्या है, 50 kg यदि बॉडी वेट है, तो उसको टोटल 300 किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। बट यदि वही वुमेन हैवी वर्किंग है, मतलब वो उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, हैवी वर्किंग है, तब उसकी किलो कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, 2925 तो उसकी नॉर्मल किलो कैलोरीज होनी चाहिए, एंड देन उसमें आप 300 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 किलो कैलोरीज के आसपास उसकी कैलोरी है जो होना चाहिए। यदि आपसे कहते हैं कि नॉर्मली है, तो नॉर्मल में जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, यदि हमें 1875 किलो कैलोरीज की ज़रूरत है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप कुछ काम नहीं करते हैं, घर का ही बेसिक जो करते हैं आप, वो भी आपका हैवी वर्क में नहीं आएगा, तो आप उसमें 300 और ऐड कर दीजिए। यदि यही चीज़ यहाँ पर आपसे कही जाती कि लैक्टेटिंग मदर है, हैवी वर्किंग मदर है, तब आप क्या करते, जो 550 किलो कैलोरीज है, जो यहाँ पर 1875 किलो कैलोरीज है, सॉरी 2925 किलो कैलोरी है, आप हैवी वर्किंग है, तो आप इसमें 550 कैलोरीज और ऐड कर देंगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं आपसे हैवी वर्किंग पूछे, मॉडरेट पूछ सकते हैं, मॉडरेट वर्किंग स्टाइल है, लैक्टेटिंग मदर है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिसाइड्स 3 Ds डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी, 4th D इंडिकेट्स। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि 3D सिम्टम है यहाँ पर, टोटल 4D सिम्टम्स होते हैं, तो यहाँ पर कहा है कि इनमें से 3D सिम्टम क्या है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, जो कि नियासिन डेफिशिएंसी के कारण है, नियासिन की कमी के कारण है। 4th D क्या है, डिसेबिलिटी, डिस्ट्रक्शन, डेबिलिटेशन या फिर डेथ।
तो जो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस किसके कारण है? नियासिन की कमी के कारण. नियासिन की कमी के कारण जो सिम्टम है यहाँ पे बताए वो किसके हैं? पेलाग्रा के, पेलाग्रा डिसीज के सभी सिम्टम है. और फोर्थ डी क्या आता है इसमें? डेथ. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, फोर्थ डी यहाँ पर क्या है? डेथ. चारों सिम्टम है पेलाग्रा के, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ. लास्ट सिम्टम क्या है? डेथ. नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? पेलाग्रा. पूरे चारों सिम्टम किसके हैं? पेलाग्रा के. नेक्स्ट है यहाँ पर वर्निंग सोल सिंड्रोम इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ. तो वर्निंग सोल सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होंगे? राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथॉनिक एसिड या फिर विटामिन B12. तो बर्निंग सोल हैं किसकी कमी के कारण होंगे? एक विटामिन की डेफिशिएंसी ही है तो ये होगा पेंटोथेनिक एसिड की कमी के कारण, विटामिन B5 की कमी के कारण. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B5, जो बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B5 है उसकी कमी के कारण ही होगा क्या? बर्निंग फीट डिसीज हम जिसको कह सकते हैं, या फिर बर्निंग सोल सिंड्रोम. क्या होगा? बर्निंग सोल सिंड्रोम. नेक्स्ट है यहाँ पर पेपिलिडेमा इज कॉज्ड बाय. तो पेपिलिडेमा किसके कारण होगा? विटामिन ए इंटॉक्सिकेशन, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, विटामिन ई इंटॉक्सिकेशन या फिर विटामिन बी इंटॉक्सिकेशन. तो पेपिलिडेमा होगा किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण. विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या है? पेपिलिडेमा. तो इसमें क्या होगा? जो आँखें हैं स्वेलिंग देखने को मिलेगी. जो विटामिन ए है सबसे ज़्यादा किसके लिए हेल्पफुल होता है? आँखों के लिए, ऑप्टिक नर्व के लिए, जो विजन में हेल्पफुल है. बट यदि इसी की टॉक्सिसिटी हो जाती है आपकी बॉडी में, ज़्यादा हो जाता है तो क्या करेगा ये? पेपिलिडेमा, आँखों में स्वेलिंग. और कम है तब भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम होगी. तो पेपिलिडेमा क्या है? सीरियस मेडिकल सिचुएशन है जिसमें ऑप्टिक नर्व जो आँखों में रहेगी तो वहाँ पर क्या होगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिससे विजुअल डिस्टरबेंस, हेडेक, नोजिया है जो ये सभी सिचुएशन डेवलप होंगी और आपकी आंखों का जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा. तो इसीलिए किसकी कमी के कारण यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो किसके कारण होगा? विटामिन ए के इंटॉक्सिटी के कारण. नेक्स्ट इज फ्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग H2O नॉर्मली सेफ इज. तो फ्लोराइड कंटेंट कितना होगा ड्रिंकिंग वाटर में? H2O क्या है यहाँ पर? पानी का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है. तो फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में जब सेफ माना जाता है? 0.5 to 0.8 mg per liter, 0.8 to 1.0 mg per liter, 0.2 to 0.8 mg per liter, 0.2 to 0.5 mg per liter. तो यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर में नॉर्मली सेफ फ्लोराइड कंटेंट है कितना होता है? 0.5 to 0.8 mg per liter तक होना चाहिए. नेक्स्ट है यहाँ पर लेथेरिज्म इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप इसको नोट करके रखें. लेथेरिज्म की जो सिचुएशन है किसको कंज्यूम करने के कारण, खाने के कारण होगी? ऑप्शन में है रेड ग्राम दाल, कंटेमिनेटेड ग्राउंड नट्स, बंगाल ग्राम दाल जिसको हम उड़द की दाल कहते हैं, खेसरी दाल. तो यहाँ पर जो डिसीज़ है किसके कारण होगी? लेथरिज में होती है खेसरी दाल के खाने के कारण. किसके कारण? खेसरी दाल. और लेथरिज में क्या है? क्रॉनिक टॉक्सिक न्यूट्रिशनल न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जो कि यदि आप लॉन्ग टर्म तक जो लेथरिज या फिर हम ये कह सकते हैं चिकलिंग पी या फिर खेसरी दाल को लॉन्ग टर्म तक यदि आप लंबे समय से खा रहे हैं तब आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिसीज है लेथेरिज्म. नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन एक्सेप्ट. तो फूड में मिलावट के लिए सभी चीज़ें फोर्टिफिकेशन के एग्जांपल हैं किसी एक को छोड़कर. आयोडाइजनेशन ऑफ सॉल्ट, विटामिन ए इन वनस्पति, फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, सेफ्रॉन कलर इन मिल्क. तो यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल सब हैं किसी एक को छोड़कर. तो यहाँ पर नमक में जो आयोडीन है उसका फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है, जनरली कम ही करते हैं. विटामिन ए वनस्पति में मिला सकते हैं. फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर ये भी कर सकते हैं, वाटर में ज़्यादा फ्लोराइड्स कर सकते हैं. बट मिल्क में सेफ्रॉन कलर है जो पॉसिबिलिटी कम रहेंगी. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी. नेक्स्ट है यहाँ पर पेलाग्रा इज. तो पेलाग्रा क्या है?
इट्स ड्यू टू पायरीडॉक्सिन डेफिशियंसी अकर्स विथ डाइट चीफली ऑन मेजे नाइट ब्लाइंडनेस इन अ प्रेजेंटिंग फीचर कॉज हाइट आउटपुट कार्डियक फेलियर. तो पेलाग्रा क्या है एक? तो पेलाग्रा भी हमने पढ़ा नियासिन की कमी के कारण होता है. 4D सिम्टम्स होते हैं और ये जनरली जो मेजे हैं उसको लॉन्ग टर्म तक यदि आप अपनी डाइट में लेते हैं उसके कारण होगा. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी अकर्स विथ डाइट चीफली ऑन मेजे. तो क्या है? मेजे को लॉन्ग टर्म तक लेने के कारण होने वाली प्रॉब्लम है पेलाग्रा, जो कि विटामिन B3 और नियासिन की डेफिशिएंसी के नाम से भी जानी जाती है. नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. तो वाटर में क्या है हार्डनेस रहेगी जो किसके कारण होगी? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट्स. तो आपने जो वाटर की हार्डनेस आपके घर में जो भी आप बकेट्स यूज़ करते हैं, जो भी पॉट या बर्तन यूज़ करते हैं प्लास्टिक के या फिर स्टील के, उसमें आपने देखा होगा कि जो वाइट कलर की परत है जो बहुत जल्दी बन जाती है, तो वो किसके कारण है? वाटर की हार्डनेस के कारण. और जो वाटर की हार्डनेस होती है किसके कारण होगी? वाटर में ज़्यादा कैल्शियम के जो कंपोनेंट्स हैं उसके कारण. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आंसर होगा आपका सी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स. कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की प्रेजेंस के कारण वाटर की हार्डनेस क्या होती है? ज़्यादा होती है. कहीं कहीं आपने देखा होगा कि आप कितने भी जो बकेट्स हैं यूज़ करें, उन पानी भर के रखें, उनमें जो लेयर है वाइट कलर की जो आपने देखी होगी, वाइट वाइट से कुछ बकेट्स में हो जाते हैं, तो वो बहुत कम रहेंगे. दैट मीन्स वहाँ का वाटर की जो हार्डनेस क्या है? कम है. बट यदि जितनी ज़्यादा बनती है तो हार्डनेस क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है. तो किसके कारण होगी? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की प्रेजेंस के कारण. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर. तो वाटर में कितनी क्लोरीन की ज़रूरत है उसको हम कैसे चेक करेंगे? क्लोरोमीटर से, हॉरोक सेपरेटर से, वर्कफील्ड फिल्टर से या फिर डबल पॉट मेथड से. तो यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर हम चेक करेंगे किससे? हॉरोक सेपरेटर से. की डिमांड वाटर में उसको हम कैसे चेक करेंगे? हॉरोक सेपरेटर से. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन. तो जो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? नाइट्रेट्स इन वाटर, नाइट्राइट्स इन वाटर, प्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर या फिर अमोनिया कंटेंट इन वाटर. तो यहाँ पर आपको हॉरोक सेपरेटर्स याद करके रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब MP में CHO का पेपर हुआ था 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो इंस्ट्रूमेंट मेडिकल डिवाइस या फिर कम्युनिटी में यूज़ होने वाली डिवाइस के भी आए थे, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे. पेपर आप प्रीवियस चेक कर लें एक बार. तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसकी इमेज दी हॉरोक सेपरेटर्स की, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए. तो इस तरीके से होगा, और जो कि वाटर में क्लोरीन की जो परसेंटेज है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट. तो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कि वाटर में जो क्लोरीन है, फ्री और कंबाइंड क्लोरीन कितना है उसको चेक करने के लिए. नेक्स्ट इज स्कैबीज, दैट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय सार्कोप्स स्कैबी इज एन एग्जांपल ऑफ. तो स्कैबीज क्या है? एक इन्फेक्शन है स्किन का जो कि सार्कोप्ट स्कैबी के थ्रू होगा, ईच माइट इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं. तो एक किस टाइप की डिसीज़ है? वाटर बॉर्न, वाटर वॉस्ट, वाटर बेस्ड या फिर वाटर रिलेटेड डिसीज़. तो स्कैबीज स्किन इन्फेक्शन है, सार्कोप्स स्कैबी और ईच माइट के थ्रू होगा. तो किस टाइप की? वाटर वॉस्ड डिसीज़ है. किस टाइप की डिसीज़ है? वाटर वॉस्ड डिसीज़ है. नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन असेसिंग अ पेशेंट द नर्स नोट्स पैलर एंड मॉडलिंग ऑफ द स्किन, डिस्निया विथ पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड अ डिक्लाइन इन ब्लड प्रेशर, दीज मैनिफेस्टेशंस आर इंडिकेटिव ऑफ. ये क्वेश्चन गुजरात में आया था अभी रिसेंट में, जो पेपर हुआ था मार्च में ही स्टाफ नर्स के लिए. तो यहाँ पर पेशेंट में क्या है आप नोट डाउन करते हैं, मॉडलिंग ऑफ द स्किन, डिस्निया है, एपनिया के साथ साथ है और आ रहा है, डिस्निया देखने को मिल रहा है, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लो होते जा रहा है. तो मैनिफेस्टेशन किसके हैं? इमिनेंट डेथ, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, सीजर ऑनसेट या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट. तो यहाँ पर एक किसके सिम्टम है? सभी
तो ये सभी सिम्टम है यहाँ पर इमिनेंट डेथ के। इट्स अ कंडीशन वेन इलनेस और इंजरीज और ऑफ सच सीवियरिटी दैट इन प्रोफेशनल ओपिनियन। तो ऐसे केस में प्रोफेशनल ओपिनियन की ज़रूरत कब पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट डिस्निया तो ऑलरेडी उसको है ही, साथ ही साथ एपनिया, मतलब सांस भी उसके बीच बीच में स्टॉप होते जा रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ साथ एपनिया भी हो रहा है उसको, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, स्किन में मॉटलिंग देखने को मिल रही है, पैलर हो रही है स्किन। तो ये सभी किसके साइन है, इमीनियंट डेथ के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इमीनियंट डेथ, जिसमें स्किन घुटनों की, फीट की, हैंड्स की, ये सभी क्या होंगे, ब्लू। मॉटलिंग का मतलब है कि स्किन ब्लूइश पर्पल टाइप की होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग इंटरप्टेड रहेगी, आँखों में आपको आईज टीयर रहेंगे या फिर ग्लेज ओवर टाइप से देखने को मिलेंगे। तो सभी साइन किसके होंगे, इमिनेंट डेथ के। नेक्स्ट है यहाँ पर स्लो सफलिंग गेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो स्लो सफलिंग गेट एक मेन गोल्डन फीचर है किस डिसीज का है, ऑप्शन में मायस्थेनिया ग्रेविस, ग्लिनवेयर सिंड्रोम, पार्किंसंस डिसीज या फिर टिक डिसऑर्डर। तो जो यहाँ पर डिसीज़ों के नाम बताए हुए हैं, पर्टिकुलर डिसीज़ हैं, हर एक चारों में से चारों डिसीज़ तक एग्ज़ाम में आ जाती हैं, एक एक एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये है क्या। तो स्लो सफलिंग गेट देखने को मिलता है पार्किंसंस में, किस में देखने को मिलता है, पार्किंसंस में। टिक का मतलब है यहाँ पर कंपल्सिव रिपीटेटिव साउंड और मूवमेंट दैट्स ऑफन डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इन्वॉलेंट्री मसल्स का कंट्रोल किस में देखने को मिलेगा, टिक्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर अ नर्स इज असाइन टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट, विच पेशेंट शुड द नर्स असिस्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर एक नर्स के लिए सभी पेशेंट असाइन किए गए हैं, बट आपको कौन सा पेशेंट है जो आप सबसे पहले उसको असिस्ट करेंगे। ऑप्शन में है द पेशेंट रिक्वेस्टिंग मेडिकेशन फॉर चेस्ट पेन, द पेशेंट हु हैज एन इंट्रावीनस मेडिकेशन ड्यू इन 30 मिनट्स, द पेशेंट हु हैज अ टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, द पेशेंट हु इज शेड्यूल्ड टू गो टू द सर्जरी विद इन द आवर। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। तो आप किस पेशेंट को सबसे पहले चेक करेंगे, तो जब यदि प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन की बात आती है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख के पेन मैनेजमेंट, देन आफ्टर आप अदर चीज़ों को मैनेज करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी पेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो पेन मैनेजमेंट का ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन द पेशेंट रिक्वेस्टिंग मेडिकेशन फॉर चेस्ट पेन। जो चेस्ट पेन का पेशेंट है उसको आप सबसे पहले है जो ट्रीट करेंगे, देन आफ्टर अदर को चेक करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अ फॉल्स सेंसरी परसेप्शन दैट अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन एज। जो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी नहीं है, तो क्या है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन या फिर एजिटेशन। तो ये क्या है, फॉल्स एक्सटर्नल, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है बट आपको ये फील हो रहा है, तो क्या है, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स इन अ चाइल्ड इंडिकेट्स। बच्चों में यदि मोरो रिफ्लेक्स नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स बच्चे में क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन डैमेज और इमेच्योरिटी, इम्पेयर्ड लाइट परसेप्शन, लीजन्स ऑफ द फिफ्थ क्रैनियल नर्व। तो यहाँ पर मोरो रिफ्लेक्स यदि एब्सेंट है बच्चे में, दैट मीन्स क्या है, बच्चे का ब्रेन डैमेज है या फिर किसी भी तरीके की इमेच्योरिटी है। जो इन्वॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स होंगे बच्चों के, बच्चे जनरली अपनी जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, आफ्टर डिलीवरी के बाद ही मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यदि यही रिफ्लेक्स उनमें क्या है, एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, बच्चे में किसी भी तरीके की ब्रेन इंजरी, ब्रेन डैमेज या फिर मेच्योरिटी के साइन है, हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल क्लोरीन इज। तो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में कितनी क्लोरीन होगी, 20%, 30%, 33% या 40%। तो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का अमाउंट होगा 33%। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है CHO के, तो क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD क्या इंडिकेट करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को, बैक्टीरियल कंटेंट को, एनारोबिक बैक्टीरिया को या फिर केमिकल्स को। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है किसके लिए इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, कितना ऑर्गेनिक मैटर है जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसमें बैक्टीरिया और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सभी को मिला के यहाँ पर ये चीज़ लाई जाएगी, तो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में आ जाएंगी ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट इज स्लेज कंसिस्ट ऑफ, तो स्लेज में क्या कंसिस्ट होगा,
सॉलिड वेजिटेबल्स वेस्ट मैटर, इनऑर्गेनिक वेस्ट, वेस्ट कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन। तो स्लज में कंसिस्टिंग पार्ट होंगे वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन, जो किचन का खाना पीना बनाने वाला जो भी पानी होगा और जो भी सब्जियों की जो पीलिंग होगी, जो भी छिलके वगैरह होंगे, वो सब किस में आ जाएंगे, स्लज में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज सॉइलिंग इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ। तो सॉइलिंग इंडेक्स में क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन। तो जो यहाँ पर सॉइलिंग इंडेक्स है, इसमें क्या चीज़ें मेजर की जाएंगी, इसमें मेजर किया जाएगा एयर पोल्यूशन, एयर की क्वालिटी है जो कितनी है, वो चीज़ यहाँ पर चेक की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द नर्व गैस सरीन इज, तो एक नर्व गैस है जिसका नाम क्या है, सरीन है। ये क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, ऑर्गेनोक्लोराइड कंपाउंड है, कार्बामेट है या फिर एक्रिडीन है। तो यहाँ पर जो नर्व गैस है, इसका नाम भी दिया हुआ है, तो ये नर्व गैस कौन सी है, इसको सरीन नाम से जाना जाता है जनरली। तो यह यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। नेक्स्ट है यहाँ पर अब विटामिन जनरली यूज्ड थेरापेटिकली नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाला कौन सा विटामिन है जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए, फिर प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में नियासिन, राइबोफ्लोविन, फॉलिक एसिड या फिर पायरीडॉक्सिन। तो जो विटामिन यहाँ पर यूज़ किया जाता है जनरली नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए, वो कौन सा है, वो है पायरीडॉक्सिन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड अ नर्स एक्सपेक्ट टू असेस इन अ पेशेंट हु हैज़ मैनर्स डिसीज। तो यदि कोई पेशेंट मैनर्स डिसीज का पेशेंट है, तो कौन सी चीज़ें आप सबसे पहले उसमें असेस करेंगे। ऑप्शन में वर्टिगो, डिप्लोपिया, प्रिसबायोस्कस या फिर निस्टैग्मस। तो जो चीज़ें आप यहाँ पर चेक करेंगे यदि पेशेंट को क्या है, मैनर्स डिसीज है, तो क्या होंगी, वो होंगी वर्टिगो, क्या होंगी, वर्टिगो, वर्टिगो, टिनिटस, ये सभी क्या है, किसके साइन है, मैनर्स डिसीज के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वर्टिगो, जिसमें आपको कानों में रिंगिंग साउंड, जो इनर ईयर डिसऑर्डर है एक तरीके से, यदि इसको एग्ज़ाम में आपको आता है, मैनर्स डिसीज क्या है, इनर ईयर डिसऑर्डर है, जिसमें आपको टिनिटस होगा, वर्टिगो होगा, आपका बॉडी बैलेंस भी बिगड़ेगा एंड आपको कानों में रिंगिंग साउंड जैसे घंटी जैसे बजते हमेशा फील होगा, तो क्या है, टिनिटस, इसके क्या है, मेन साइन है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ नर्स वुड एडवाइज अ पेशेंट टू टेक अ डायरेटिक इफ इट इज ऑर्डर्ड वंस डेली एट विच टाइम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यदि एक पेशेंट को एक डायरेटिक मेडिसिन ऑर्डर की गई है, एडवाइस की गई है, तो एज अ नर्स आप किस टाइम पर उसको मेडिसिन देंगे, इन द अर्ली मॉर्निंग, आफ्टर लंच, विथ द इवनिंग मील या फिर एट बेड टाइम। तो डायरेटिक्स हमेशा कब दी जाती हैं, अर्ली मॉर्निंग दी जाती है, नाइट में कभी भी डायरेटिक्स नहीं दी जाती ना इवनिंग टाइम में, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपके स्लीप डिस्टर्बेंस का कारण है जो बन सकती है, इसीलिए जो भी डायरेटिक्स मेडिसिन होती हैं वो आपको अर्ली मॉर्निंग एडवाइस की जाती हैं। नेक्स्ट इज एग्लोफोबिया मीन्स, सॉरी एल्कोफोबिया मीन्स। ऑप्शन में है फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ऑफ हाइट या फिर फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। तो फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ऑफ हाइट या फिर फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। तो यहाँ पर जो हाइट से यदि आपको कहते हैं, फियर ऑफ हाइट कहते हैं तो एक्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस कहेंगे तो क्लस्ट्रोफोबिया, या फिर एल्गोफोबिया कहा है तो फियर ऑफ पेन, क्या है, फियर ऑफ पेन। पानी से फोबिया कहते हैं तब होता हाइड्रोफोबिया, जो कि रेबीज में देखने को मिलता है। एंड गेमोफोबिया कहते हैं तो शादी से डर लगता है, जिसको वो टर्म यूज हो जाएगा, बट यदि एल्गोफोबिया है तो फियर ऑफ पेन। क्लस्ट्रोफोबिया एग्जाम में आता है तो क्या है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ हाइट आता है तो एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है यहाँ पर और जो फोबियाज हैं, किस टाइप के डिसऑर्डर हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, तो सेल्फ केयर थ्योरी किसने दी थी, डोरोथिया ओरेम ने, कैलिस्टर रॉय, मार्था रोगर्स या फिर बेटी न्यूमैन ने। तो जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, पूरा नाम क्या है इसका, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। इसमें तीन चीज़ें इंक्लूडेड थी, सोसाइटी एजेंसी और पेशेंट एजेंसी, बट यहाँ पर जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, सेल्फ केयर डिमांड थ्योरी, ये किसने दी थी, डोरोथिया ओरेम ने।
यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, थ्योरी इन्होंने कब दी थी, 1959 एंड 2001 के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन इज, तो वुमेन में इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न क्या है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कंसीव ना कर पाना, इनएबिलिटी टू कंसीव। तो यहाँ पर ऑप्शन में एंडोमेट्रियोसिस, PCOS, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो कॉमन कॉज यहाँ पर पूछा है तो वो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो इनफर्टिलिटी का हो सकता है फीमेल में। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स वुड इंडिकेट दैट अ 2-year-old पेशेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिंग सक्सेसफुली। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग कौन सा बिहेवियर यहाँ पर प्रेजेंट करेगा 2 साल के बच्चे का कि उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर प्रोग्रेस में है। ऑप्शन में द चाइल्ड ट्राइज न्यू पावर्स ऑफ स्पीच, द चाइल्ड इमिटेट्स द बिहेवियर ऑफ अदर्स, द चाइल्ड प्लेस कोलाबरेटिवली विथ अदर चिल्ड्रंस, द चाइल्ड सीक्स वैलिडेशन फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर। तो यहाँ पर यदि 2 साल के बच्चे की बात हो रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका पूछा गया है एरिक्सन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, बच्चा नए वर्ड है जो अपनी स्पीच में बोलने की कोशिश करेगा या फिर उससे बनेंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, द चाइल्ड ट्राइज न्यू पावर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, बट यदि सिंपल वे में क्वेश्चन आते हैं आपको एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चीज़ें याद रखनी है, एग्ज़ाम में हमेशा आती हैं, जो आपका पीडियाट्रिक पोर्सन है एग्ज़ाम में आने वाला है आपको। तो यदि इन्फेंसी स्टेज में पूछते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होगा वो होगा बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि बच्चे को इंडिपेंडेंसी स्टेज में लेके जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड पूछते हैं और फिर टोटलर स्टेज कहें हम जिसको 1 से 3 साल रहेगी, तो इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम आ जाएगा। प्ले एज पूछते हैं 3 to 6 ईयर, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसमें बच्चा पर्पसिव होगा, कुछ भी काम करेगा वो पर्पसफुली करना स्टार्ट कर देता है। स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी देखने को मिलेगी, कॉम्पिटेंसी देखने को मिलेगी। एडोलेसेंस जो कि 12 से 19 साल एज ग्रुप रखा है, तो आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन होगा। एडल्टहुड पूछते हैं तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो यहाँ पर मेनली एग्जाम में आपको इन्फेंसी, टोडलर, प्ले स्कूल और स्कूल एज चिल्ड्रंस के आते हैं, तो ये 4 या 5 आप हैं जो इजीली आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन एक्टिविटीज फॉर द नर्स टू परफॉर्म विथ एब्यूज्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, आपको टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की एक्टिविटी बतानी है जिसमें बच्चा क्या है, एब्यूजिव है, गाली गलौज करने वाला बच्चा है। ऑप्शन में असिसिंग फॉर साइन ऑफ चाइल्ड एब्यूज, आइडेंटिफाइड रिस्क हाउस होल्ड्स, परफॉर्मिंग फैमिली थेरेपी फॉर एब्यूजिव पेरेंट्स, टीचिंग पेरेंटिंग क्लासेस ऑन डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो यहाँ पर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी होता सेकेंडरी, प्राइमरी में तो आप चेक करते बच्चा किस तरीके से बात करता है, सभी चीज़ें आ जाएंगी और आप जो फैमिली बैकग्राउंड है वो देखेंगे। सेकेंडरी में यदि गाली गलौज करता भी है तो आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपसे कहा है। तो टर्सरी में क्या आ जाएगा कि पेरेंट्स, बच्चा अपने आप से एब्यूजिव नहीं हो जाएगा, जब फैमिली बैकग्राउंड जैसा होगा उसी तरीके से बच्चा बिहेव करेगा। तो यदि यहाँ पर टर्सरी प्रिवेंशन एक्टिविटी कहा है तो आप क्या करेंगे, फैमिली में जो फैमिली थेरेपी देंगे, क्योंकि जब फैमिली में ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो बच्चा भी अपने यहाँ पे चीज़ें नहीं सीख पाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, परफॉर्मिंग फैमिली थेरेपी फॉर द एब्यूजिव पेरेंट्स, पेरेंट्स यदि एब्यूजिव हैं तो उन पर आप थेरेपी देंगे, ना कि बच्चे पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चा देन आफ्टर खुद सीखेगा जो पेरेंट्स करेंगे। तो यहाँ पर आपका यदि टर्सरी प्रिवेंशन है तो क्या है, परफॉर्मिंग फैमिली थेरेपी फॉर एब्यूजिव पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4th ऑफ रिएक्शन। तो डिले हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4th हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, 4th नंबर की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो कौन सा है यहाँ पर एग्जाम्पल है उसका, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन, सीरम सिकनेस या फिर अटोपी। तो यहाँ पर चारों हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो डिलेड किस में होगा, डर्माटाइटिस में देखने को मिलेगा, तो आंसर होगा आपका कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जो कि डिले हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4th में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सी सेल्स हैं जो एक्टिवेट होंगी, क्या यहाँ पर एग्जाम्पल होंगे, तो टाइप 1st हाइपर जो सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसमें IgE
टाई फर्स्ट में क्या एक्टिवेट होगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में? IgE, जो कि सॉल्यूबल एंटीजन है, जो लोकल इन्फेक्शन होंगे, फूड एलर्जी होगी, ड्रग एलर्जी होगी, तब एक्टिवेट होगा टाइप वन। टाइप सेकंड की बात होती है तो इसमें IgG और IgM जो कि सेल बाउंड एंटीजन होंगे, IgG और IgM है जो ये ज़्यादा बढ़ेंगे, जो कि रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन में होंगे या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होंगे, हीमोलाइटिक डिसीज़ में होंगे टाइप सेकंड। टाइप थर्ड की बात होती है तो जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर एली है, लूपस एरिथ्रोमेटस है, उस पर देखने को मिलेगी। टाइप फोर्थ जिसमें टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहेगी, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, टाइप फर्स्ट डायबिटीज, मेलाइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यदि आपको इनके एंटीजन फॉर्म याद नहीं होते हैं तो आपको इनमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यून रिएक्टेंट रहेंगे और इनके एग्जाम्पल आपको बेसिकली याद रखना है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूछ लें कि डिले हाइपर सेंसिटिविटी में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा, हो सकता है टाइप थर्ड पूछ लें, टाइप सेकंड या फिर टाइप फर्स्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट बैक्टीरिया और कॉल्ड। तो ऐसे बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, फोटोट्रोप्स या फिर कीमोट्रोप्स। तो जो बैक्टीरिया पूरे तरीके से न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होते हैं वो कहलाते हैं हेटरोट्रोप्स बैक्टीरिया। ये देखिए, एनर्जी पर बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स हो जिनका, कार्बन सोर्स हो। तो ऑटोट्रोप्स हैं जो कि CO2 को एज अ सोर्स यूज़ करेंगे, हेटरोट्रोप्स हैं जो जनरली ग्लूकोज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट कहा है तो वो क्या हो जाएंगे? हेटरोट्रोप्स। यदि लाइट पर डिपेंडेंट बैक्टीरिया पूछते तो वो होते फोटोट्रोप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर मेलेना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेलेना है जो किस में देखने को मिलेगा? हेड इंजरी में, इंजरी टू द लोअर वाउल, मिसकैरेज, इंजरी टू द अपर वाउल। तो मेलेना देखने को मिलेगा इंजरी टू द अपर वाउल, जो अपर GI ट्रैक्ट है वहाँ पर कोई इंजरी होती है, कोई ब्लीडिंग होती है, तब मेलेना देखने को मिलेगा। बट यदि लोअर की बात होती है तो लोअर में जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? हेमेटोजेजिया। यदि मेलेना की बात हो रही है जिसको हम टेरी स्टूल कहेंगे, हमने कल ही पढ़ा है टेरी स्टूल किस में देखने को मिलेगा, जब यदि अपर बाउल में या फिर अपर GI ट्रैक्ट में कोई ब्लीडिंग हुई हो तब। बट यदि यहाँ पर लोअर बाउल में या फिर इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी NS के यहाँ पर कुछ भी क्या हो रही है, ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ, तो उसको जो टर्म यूज़ किया जाएगा क्या होगा? हेमेटोजेजिया। यहाँ पर मेलेना की बात हो रही है तो अपर बाउल मूवमेंट, अपर बाउल में इंजरी के कारण जो ब्लीडिंग हुई है, सॉरी ब्लड के साथ जो स्टूल आया है। एंड यदि लोअर की बात करते हैं हम तो क्या होता है? हेमेटोजेजिया। नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड्स। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है डेंटल कैरी के लिए? क्लोरीनेशन, डेंटल हेल्थ एजुकेशन, मास स्क्रीनिंग, डेंटल फिटिंग एंड टीथ एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर प्राइमरी पूछा है तो प्राइमरी है डेंटल हेल्थ एजुकेशन। क्या है? डेंटल हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट इज नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज हैड हिप रिप्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। यदि किसी पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी? कंप्लेन ऑफ पेन फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी, कंप्लेन ऑफ पेन ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग, टेम्परेचर ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्कैंट बॉडी ब्लडी डिस्चार्ज ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग। तो हिप रिप्लेसमेंट हुआ है या फिर कोई सी भी बॉडी का ऑर्गन रिप्लेस किया जाता है जनरली, तो यहाँ पर एग्जाम में हमेशा हिप रिप्लेसमेंट ही आता है। बट यदि अदर ऑर्गन रिप्लेसमेंट भी पूछते हैं तब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या चीज़ है जिसको आप सबसे पहले यदि यहाँ पर देखने को मिलेगी इम्पोर्टेंस देंगे, वो होगा टेम्परेचर। क्यों? यदि टेम्परेचर हाई आपको ऑप्शन में दिख रहा है दैट मीन्स क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया है कोई भी। तो यहाँ पर भी हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, यहाँ पर आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो यदि उसका टेम्परेचर कितना हो गया है? 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, दैट मीन्स क्या उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। तो ऐसे केस को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इस तरीके से यदि ऑप्शन है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज एन इमीडिएट ट्रीटमेंट गिव टू अ पेशेंट विथ एन एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओपन फ्रैक्चर। तो यदि कोई ओपन फ्रैक्चर का पेशेंट है, ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव, तो आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे? प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ट्रीट फॉर शॉक,
ब्रेनिंग बोन्स टू नॉर्मल पोजीशन या फिर इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पर ओपन फ्रैक्चर है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तब आप क्या करेंगे, ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। जिस पॉइंट से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। तो इनमें से कौन सी है जो मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है। ऑप्शन में है एजिटेटेड डिप्रेशन, एंजाइना, इंसुलिनोमा, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है यहाँ पर, वो क्या है, एजिटेटेड डिप्रेशन। क्या है, एजिटेटेड डिप्रेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम सजेस्ट दैट द चाइल्ड हैज सीवियर डिहाइड्रेशन। तो कौन से सिम्टम सजेस्ट करेंगे कि बच्चा सीवियर डिहाइड्रेट है, रेस्टलेस, इरिटेबल, लिथार्जिक और अनकॉन्सियस, हु ड्रिंक्स वाटर ईगरली। तो यहाँ पर सीवियरली डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, तो क्या होगा, लिथार्जिक और अनकॉन्सियस, बच्चा क्या हो जाएगा, लिथार्जिक होगा और इवन बेहोश भी हो सकता है। अब यहाँ पर सीवियर, मॉडरेट और नॉर्मल डिहाइड्रेशन है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में दो साइन तो देखने को मिलेंगे ही, कम से कम दो साइन, लिथार्जिक और अनकॉन्सियस, सनकेन आइज, नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली। यदि यहाँ पर कहा है बच्चा ईगरली पानी पी रहा है, हु ड्रिंक्स वाटर ईगरली, रेस्टलेस, इरिटेबल है, तो क्या है, उसमें माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, बट सीवियर में लिथार्जिक और अनकॉन्सियस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिसको अर्जेंटली रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी। स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, जो सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो यहाँ पर आपको चार साइन याद रखने हैं, जो आपको डिफरेंस याद रखेंगे माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में, कि बच्चा लिथार्जिक अनकॉन्सियस हो सकता है, सनकेनाइज रहेंगी, बच्चा ईगरली पानी बिल्कुल भी नहीं पिएगा, बहुत ही पुअरली पिएगा, और उसकी स्किन है जो यदि आप पिंच करेंगे तो बहुत स्लो बैकबर्न होगी। बट यदि यहाँ पर माइल्ड मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात करते हैं हम, तो रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, सनकेनाइज होंगी, यदि आप उसको पानी देंगे बहुत ही ईगरली पिएगा, थर्स्टी रहेगा, और आप यदि उसकी स्किन पिंच करेंगे तो स्लोली बैक हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज कॉन्स्टेंट एंड रिलायबल इन एन इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन से साइन है जो कि रिलायबल साइन माने जाएंगे इन्फेक्शन के लिए, डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग या फिर ब्लीडिंग। तो यदि इन्फेक्शन है तो जो रिलायबल साइन होगा वो क्या होगा, फीवर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। यदि आपसे कार्डिनल साइन पूछे जाते हैं इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के, तो होते हैं टोटल फोर साइन, रेडनेस जिसको लैटिन वर्ड में र्यूबर कहेंगे, हीट दैट मीन्स कलर, स्वेलिंग मतलब ट्यूमर, पेन मतलब डॉलर। तो यदि हीट वर्ड है यहाँ पर तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, फीवर है तो उसको भी मार्क कर सकते हैं। कार्डिनल साइन यदि आपको लैटिन वर्ड में पूछे, रूवर, कॉलर, ट्यूमर एंड डॉलर, ये सभी क्या हैं, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लडी और सैंग्वेनियस डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स। तो निपल से ब्लडी डिस्चार्ज, सैंग्वेनियस डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इंट्राडक्टल पेपिलोमा, इंट्राडक्टल कैंसर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर डक्ट एक्टेसिया। तो यहाँ पर कोई भी कैंसर हो, पेपिलोमा हो या फिर कुछ भी इस तरीके से सिस्ट टाइप से होती हैं, तो यदि ब्लडी और सैंग्वेनियस और पस टाइप का डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बाकी ये सभी केस हैं जो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर। तो यदि पेशेंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हैं मेल क्लाइंट को, तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, रीस्ट्रेन द क्लाइंट्स आर्म्स एंड लेग्स, दैट मीन्स पेशेंट के हाथ पैर बांध देना, प्लेस अ टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स माउथ, पेशेंट की मुंह में टंग ब्लेड रख देना जिससे वो टीथ बाइट ना कर पाए, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, एफ टेक्स मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर का पेशेंट है, तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसको हमें इंजरी से प्रिवेंट करना, ऐसा इन्वायरमेंट देना, ऐसा माहौल देना जिससे वो अपने आप को इंजर्ड ना कर पाए, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, टेक्स मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी, उसके आसपास जो भी ऐसा सामान हो जिससे वो अपने आप को हार्म कर सकता है क्योंकि उसको सीजर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टेम्परेचर इज डेजिग्नेटेड एज हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है कितना हो जाना, कम हो जाना।
यहाँ पर हाइपोथर्मिया के लिए कौन सा बॉडी टेम्परेचर है जो कंसीडर किया जाएगा? 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 to 40, बिलो 35 या फिर 36 to 37। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से यदि बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हाइपोथर्मिया के पेशेंट में कितना कंसीडर किया जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर गॉम्स क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट पर एज कम्स अंडर थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन वेन कंपेयर्ड विथ द हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड? दो क्लासिफिकेशन बताए हैं यहाँ पर, गॉम्स का और हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड का। तो गॉम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेट पर एज, एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए जो कि थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन में आएगा, यदि हम कंपेयर करते हैं हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड के साथ। ऑप्शन में है 90 to 110 ऑफ द स्टैंडर्ड, 60 to 74% ऑफ द स्टैंडर्ड, लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड एंड 75 to 90% ऑफ द स्टैंडर्ड। तो ये सभी क्लासिफिकेशन गॉम्स के हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड किसके लिए हैं? माल न्यूट्रिशन की डिग्री को चेक करने के लिए। तो गॉम्स ने परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ पर थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन कंसिडर किया जाएगा जब जो वेट पर एज कितना हो, लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड हो। यहाँ पर ये देखिए जो गॉम्स का क्लासिफिकेशन है जिसमें इन्होंने कहा है द चाइल्ड्स वेट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड 50% ऑफ द सेम एज। तो यहाँ पर वेट पर एज मतलब एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है वेट फॉर एज में पेशेंट्स वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज इंटू 100। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कैलकुलेट करके बताया है, तो 90 से 110 क्या है परसेंट तक नॉर्मल है, कितना 90 से 110 स्टैंडर्ड के यदि यहाँ पर नॉर्मल पूछते हैं तो क्या है नॉर्मल होगा 90 से 110 तक, जो ऑप्शन ए में कहा है। फिर कहा है 75 से 89% किसमें आएगा, ग्रेड फर्स्ट में, कितना आएगा 75 से, जो ऑप्शन डी है किसमें आ जाएगा, ए आ जाएगा माइल्ड माल न्यूट्रिशन में। 60 to 74% यहाँ पर 60 to 74% ऑफ द स्टैंडर्ड है किसमें आ जाएगा, आ जाएगा मॉडरेट माल न्यूट्रिशन में। इन्होंने ऑप्शन जो कहा है थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन, तो थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन होगा जब जो वेट फॉर एज है कितना होगा, लेस देन 60%, तो ये किसमें आएगा सीवियर माल न्यूट्रिशन में। ये डिग्री आपको याद रखनी है, परसेंटेज याद रखना है कितने परसेंट पर क्या कंसीडर किया जाएगा, और जो गॉम्स का क्लासिफिकेशन है किस बेस पर है, वेट फॉर एज। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेंथोलेटेड रब्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो कौन सी कंडीशन में मेंथोलेटेड जो वो रब है वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा? ऑप्शन में है लो बैक एक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्रोकन स्किन या फिर स्प्रेन। तो यहाँ पर जो मेंथोलेटेड रब्स है, मेंथोल जो आप रब करते हैं स्किन पर, कोई भी इस तरीके की मेडिसिन हो जिसमें मेंथोल प्रेजेंट हो, कॉन्ट्राइंडिकेट होगा कब, जब ब्रोकन स्किन हो। क्यों? क्योंकि स्किन में और ज़्यादा इरिटेशन है जो क्रिएट कर सकता है, इसीलिए क्या रहेगा ये कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, बाकी इन सब केस में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज ICDS आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। सिंपल क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज ICDS प्रोग्राम के तहत किस एज ग्रुप के लिए दी जाती हैं? ऑप्शन में है 12 से 14 साल, 8 से 10 साल, 7 से 9 साल या फिर 3 से 6 साल। तो ये जो यहाँ पर सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं किसके लिए दिए जाते हैं, 3 to 6 years के बच्चों में। नेक्स्ट इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इज रिलेटेड विथ, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम किससे रिलेट करता है, ट्यूबरक्लोसिस से, मलेरिया से, एड्स से या फिर लेप्रोसी से? तो जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, या तो आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फिर इसमें जो डिसीज इंक्लूडेड है वो, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो है मलेरिया। अब कौन कौन सी डिसीज इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो कि NVBDCP ऑप्शन एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, 2003 में लॉन्च किया गया था, जिसका दूसरा नाम है अम्ब्रेला प्रोग्राम, जो कि मलेरिया और जो अदर वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं
उनको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। तो इसमें टोटल जो डिसीज़ हैं 6 डिसीज़ इंक्लूडेड हैं, मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, काला अजर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया एंड डेंगू। तो ये डिसीज़ यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर आपको डिसीज़ जो इंक्लूडेड हैं, फुल फॉर्म, दूसरा नाम है अम्ब्रेला प्रोग्राम, और इन प्रोग्राम्स को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था 2003 में। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑटिज्म मेनली इन्वॉल्व्स, तो ऑटिज्म किस में रहेगा, ओवर एक्टिविटी एंड इनअटेंशन, पुअर ईटिंग स्किल्स, पुअर इंटेलिजेंस या फिर पुअर कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और जो अब नेक्स्ट क्लास होगी कल मॉर्निंग में, वो हमारी डेमोग्राफी पर होगी। जो भी आपका हरियाणा का पेपर है CHO का अप्रैल में, MP CHO का पेपर है, त्रिपुरा CHO पेपर है, तो सभी जगह की डेमोग्राफी, SRS डेटा, सेंसस, सभी चीज़ें आपको एक वीडियो में, एक क्लास में इंक्लूड की जाएंगी। तो आपकी जो डेमोग्राफी वाली क्लास होगी वो कल मॉर्निंग में होगी। आज की इस क्लास में हमने मोस्टली क्वेश्चन जो आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से एग्जाम्स में आते हैं वो कवर किए हैं। और ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हों तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।